नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रमल ज्योति सजार, किस तारा कृष्ण शर्मा आप सबका स्वागत करते हुए आज के दिन के बारे में बताना चाहेंगे। आज है 16 मई और दिन है बुधवार का, और आज के दिन हम जो बताएंगे कि चंद्रमा हमारा वृषभ राशि में है, सूर्य भी वृषभ राशि में है, इसके साथ ही तांबे के लोटे से क्या रहती है शुभता बताएंगे। मगर उससे पहले आज के शुभ समय की बात बता देते हैं। आज का जो हमारा शुभ समय है प्रातःकालीन 6 बजे से लेके 7:18 तक का रहेगा। दान पुण्य का कुछ भी सामान निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। भाग्य का पास आपके लिए कहता है, शुरुआत करते हैं मेष राशि के लिए। नंबर जो निकला है, नंबर है 3, नंबर है 4, नंबर है 1, 8 नंबर। मेष राशि वालों आपके लिए बता दें, आज जो है पूरी तरीके से अपने काम काज में हो सकता है मेहनत तो करेंगे, मगर मेहनत करते करते हो सकता है उसकी सफलता का जो आपको कह सकते हैं कि आपकी सफलता किसी दूसरे को नहीं दिखाई देगी, तो जिसकी वजह से मन आपका मायूस हो सकता है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों भाग के पास का नंबर कहता है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 2, 9 नंबर। वृषभ राशि वालों, अगर आपने कहीं प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की बातचीत चल रही है तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, खरीद सकते हैं। इसके साथ ही आज जो है किसी की सहायता आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाली है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों भाग के पास का नंबर कहता है, नंबर 1, नंबर 3, 5 नंबर। मिथुन राशि वालों, आज आपके लिए 5 नंबर ये कहता है कि आज वाणी का उपयोग बहुत शानदार रहेगा। हो सकता है आज आपकी बातों से बहुत सारे लोग प्रभावित हो जाएं। इसके साथ ही ये भी दिखाई देता है कि आज आपका काम काज में बढ़ोतरी और लाभ भी दिखाई दे रहा है, तो उत्तम रहने वाला है। हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों भाग के पास एक नंबर कहता है, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 3, 9 नंबर। कर्क राशि वालों, वाहन जरा सावधानी से चलाइएगा, अचानक हो सकता है किसी के साथ वाद विवाद हो, चोट वोट लग जाए, तो जिसकी वजह से कहता है चोट लगने से आपको कष्ट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, वाहन सावधानी से चलाना है। जो लोग नशीली चीजों को सेवन करते हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आज उनको कष्ट हो सकता है। हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों भाग के पास एक नंबर कहता है, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3, 9 नंबर। सिंह राशि वालों आपके लिए बताते हैं कि आज आपके अधिकारी वर्ग अपने आपके ऊपर थोड़ा सा अपना दबाव बनाएंगे, जिसकी वजह से काम काज का भी थोड़ा सा बोझ आपके ऊपर रहेगा। मगर एक चीज़ ये दिखाई देती है, आज आपके घर में कोई मांगलिक कार्य की बातचीत होती हुई नजर आ रही है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कन्या। कन्या राशि वालों भाग के पास एक नंबर आपके लिए कहता है, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 4, 10 को 1 कहते हैं। भाई ये हम बता दें कि एक नंबर ये बताता है कि आज आपके घर परिवार का कोई पुराना शत्रु आपके घर परिवार के लिए षड्यंत्र रच सकता है, सावधानी बरतें। आपसे दोस्ती करने की कोशिश करेगा मत करिएगा, आप दुश्मनों के साथ में हाथ मिलाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि तुला। तुला राशि वालों भाग के पास एक नंबर आपके लिए कहता है, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4 काउंट करते हैं तो 10 को आपके लिए भी एक नंबर है। ये बताता है कि आज आपके घर में कोई अच्छा आयोजन होने वाला है। हो सकता है कोई खरीदारी आपने की है तो उसका आप कोई आयोजन करें, कोई पार्टी वगैरह करें, तो और इसके साथ ही ये भी दिखाई देता है आज आपके संतान पक्ष की तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है, संतान को लेकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी रहेंगे। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि। अगली राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों भाग के पास का नंबर कहता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 2, 5 नंबर। वृश्चिक राशि वालों आपके लिए 5 नंबर ये कहता है कि आज जो है किसी से भी कठोर होके ना बोलें, और साथ ही कोई नया मित्र आपका बन सकता है। और महिलाओं का आज के दिन बहुत ज़्यादा, आज ही क्यों हमेशा करिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी योग बनाएगा, महिलाओं का जितना सम्मान करेंगे आपका बुध आपका कारागृह बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि धनु। धनु राशि वालों भाग के पास एक नंबर कहता है, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, 6 नंबर। धनु राशि वालों, अचानक खर्च की वजह से थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं, मगर एक चीज़ यहाँ दिखाई देती है, जीवन साथी का सहयोग आज आपके दिन को अच्छा बना सकता है। चलिए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि मकर। मकर राशि वालों भाग के पास एक नंबर कहता है, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 3, 7 नंबर। मकर राशि वालों, यहाँ पर 7 नंबर ये कहता है कि आज विदेश जाने के लिए जो लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे विदेश जाने के लिए, उनके अच्छे समय भी है। उसके साथ ये भी बता दें, अचानक कोई प्रोजेक्ट में या कोई आपने कोई योजना है या कहीं आप जॉब कर रहे हैं या व्यापार में अचानक कोई उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है जो आपके लिए बेहतर रहेगी। हम बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों भाग के पास का नंबर है, नंबर 3, नंबर 3, नंबर 4, 10 को 1 नंबर। कुंभ राशि वालों आपके लिए बता दें, आज जो है घर परिवार और अपने अधिकारी वर्ग या अपने साथ में आपसे जो भी बड़ा हो उसके साथ में अनबन ना करें। हो सकता है छोटी सी बात बहस बन जाए, सुनी सुनाई बातों को लेकर बिल्कुल यकीन ना करें, वो कोई आपको आपके बीच में आपके संबंध को
खराब कर सकता, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, भाग के पास एक नंबर आपके लिए कहता है, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 4, 8 नंबर। मीन राशि वालों, पूरी तरीके से आज जो मेहनत से, निष्ठा से जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्रदान होगी और बहुत अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। चलिए हम बताते हैं तांबे के लोटे की शुभता। भाई तांबे के लोटे के साथ में तांबे की चीज़ों का शुभता क्या बताइए हमारे जीवन में, ये बता दें। अगर हमारा सूर्य या हमारे कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, सूर्य ग्रह भी हमें अच्छा करना है, हमारे जो है पिता का आशीर्वाद भी हमें चाहिए, तो ऐसे में जो है तांबे के लोटा, जब हमारा सूर्य खराब हो या मंगल खराब हो तब हमें क्या करें, तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल चढ़ाना, तुलसी को जल चढ़ाना, साथ ही तांबे के लोटे से स्नान करना बहुत ज़्यादा उत्तम रहता है। इसके साथ ही एक चीज़ ये है कि तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर अपने पूजा घर में रखेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा बनती है। तांबे के लोटे से भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाएंगे तो भगवान शिव के साथ में पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है। तांबे का लोटा मंदिर में जाकर दान करेंगे गंगा जल के साथ में तो और भी ज़्यादा उत्तम हो जाता है। तांबे के लोटे में गेहूं भरकर यदि शिवलिंग के पास रख के आएंगे तब भी आपका सूर्य मजबूत रहेगा, मंगल भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो तांबे के लोटे का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि तांबा मंगल और सूर्य से संबंध रखता है, शुभता का प्रतीक है। तांबे का कड़ा या तांबे का छल्ला धारण करने से भी हमारा मंगल और साथ ही सूर्य हमारा अच्छा रहता है। एक नए विषय के साथ में, नए उपाय के साथ में करते हैं मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। जय महादेव।